बायसी प्रखंड मुख्यालय के सीमांचल इंग्लिश स्कूल के वार्षिक महोत्सव का पूर्व मंत्री हाजी अब्दुस सुबहान ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज इल्म के बगैर कुछ भी संभव नहीं है और लोग अच्छी पढ़ाई करके ही एक अच्छी जीवन जी सकता है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक मौजूद थे। बायसी से सिटी हलचल के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। Who came here to witness our annual function? तो मैं सनी तामंग, सीमांचल इंग्लिश स्कूल का प्रिंसिपल। तो आज एवरी ईयर हम लोग एनुअल फंक्शन रख रहे हैं स्कूल में, जिसमें बच्चे को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के लिए रखा जाता है। बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस दिया जाता है। जो क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, डिसिप्लिन हुआ, अटेंडेंस हुआ, ड्राइंग कंपटीशन, चेस कंपटीशन, ये सारा चीज़ का आज हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम हम लोग लोगों को पेश करते हैं, जैसे कि आपका कुछ डांस हुआ, कुछ ड्रामा जो जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिले। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत पे एक हुआ, जैसे कि आज हम लोग बच्चे किए हैं, हम लोग के बच्चे ने। और दूसरी चीज़ आपका है कि आर्मी के विषय में, जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से अपने सरहद पे अपने देश के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का आज मेन मकसद क्या था कि बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। और मेन चीज़ आज का हम लोग का मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट रहा है सर हाजी अब्दुल सुहान, और डेस्क प्रेसिडेंट रहा है हम लोग का कुरबान अली साहब। तो यहाँ पे आज हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है ना, शायद आप लोग जो जो देखेंगे तो आप लोग यहाँ से कुछ, हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ बच्चे भी सीखे और लोगों भी यहाँ से कुछ सीख के जाए। जो है 2015 में चालू हुआ है, बीच में लॉकडाउन के कारण जो है ड्रॉप हो गया, बच्चे चले गए। उसके बाद फिर से हम लोग चालू किए। और इस स्कूल में जो है हम लोग का मेन मकसद है, जो एरिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, इसलिए मेन फोकस है जो नहीं हमारे बायसी, अमोर, बैसा, रोहटा, डगरवा के लिए जो है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा से चले, अच्छे लोगों को एजुकेशन मिले, इसके लिए बाहर जाना ना पड़े। इसलिए हम लोगों को ये जो है प्रोग्राम हम लोग रखे हैं संदेश देने के लिए, ताकि मतलब सब लोग ये जाने जो नहीं मतलब जो है बायसी में भी सीमांचल इंग्लिश स्कूल एक है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। देखिए, दुनिया में शिक्षा ही एक अहम चीज़ है, जिसके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन क्यों नहीं जाना पड़े। तो उस समय कोई हवाई जहाज़ या कोई मना ऐसा कोई सवारी नहीं था कि लोग चीन जाता। एक मिसाल था कि आपको कड़ी परिश्रम के बाद भी कहीं जाके अगर इल्म हासिल होती है तो आप इल्म हासिल कीजिए। तो इल्म नहायत ज़रूरी है, और बायसी इलाके में 40-50 प्राइवेट स्कूल खुल चुका है, उसमें एक सीमांचल भी है। तो इसमें काफ़ी देखते हैं तरक्की किया है लोग, काफ़ी अच्छी तालीम हो रही है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो तालीम ईसाइयों का है वो ईसाइयों वाला तालीम हमारे स्कूल में ना हो, हिंदुस्तानी तालीम हो और हिंदुस्तान में ज़रूरत की तालीम हो और ज़रूरत के मुताबिक हमारे बच्चों को तैयार किया जाए। बिहार सरकार बायसी में IAS IPS कोई नहीं बन पाया है। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क है, लेकिन फिर भी जो है लोग यहाँ के लोग जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ अपना रुख बढ़ाए, इसका क्या मुद्दा है? प्राइवेट स्कूल में लोग मेहनत करते हैं और सरकारी स्कूल में सभी मैंने सब्जेक्ट का टीचर प्रॉपर नहीं रहने के चलते लोगों को तैयारी नहीं होती है। और जो सरकारी स्कूल की हालत है कि टीचर को बहुत सारा काम दिया जाता है, एग्ज़ाम मैंने जितना भी काम सरकारी काम आता है वो मैंने टीचर को करने दिया जाता है, तो अक्सर टीचर गायब हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे वहाँ अपना महफूज नहीं समझ रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए प्राइवेट स्कूल की तरफ निकलते हैं। हम लोग तो दिली ख्वाहिश हम लोग की है कि सरकारी स्कूल तरक्की करे, इसलिए कि गरीब गुरबा जो आज है जो ऐसे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ आगे बढ़े। हम लोग भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उस समय की बात और आज की बात में बहुत फ़र्क है। आज मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग में लोग मॉडर्न तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि बायसी से जो IAS IPS कोई नहीं बना है, ऐसे ही तालीम मेहनत करे बच्चे और शिक्षक, और बायसी में कम से कम IAS IPS हमारे इलाके में एक भी कम से कम हो, ताकि इलाके का नाम रोशन हो। जी, मैं रंजित कुमार सिंह। मेरा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। देवी शर्मा। पहली बार ही आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी शॉप खुला है तब से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। बिग शॉप
बहुत अच्छा है। लगन का कपड़ा तो खास करके यहाँ बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पहला चॉइस तो बिग शॉप ही रहता है वेडिंग के लिए। यहाँ कलेक्शन भी पूरे पूर्णिया से भी बहुत अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है आपका, बहुत ही सस्ता दाम पे अच्छा अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हर चीज मिल जाता है बढ़िया से। और आपके स्टाफ का जो भी है ठीक बढ़िया है? स्टाफ वगैरह जो है जो भी है बहुत ही उनका बिहेव तो सुंदर लगा है, बहुत बढ़िया, सबका अच्छा व्यवहार है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो इसका मत ही पूछा जाए, बहुत कन्वीनियंट है आपके यहाँ रेट क्वालिटी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी आकर यहाँ पे इनका लाभ लें। सजेशन रहता है कि बिग शॉप में लीजिए।